आंतरिक और बाहरी सुरक्षा मोर्चे पर विभिन्न परिस्थितियों से लड़ने के लिए सेना का हर जवान पूरी तरह से तैयार रहे। पूरे देश का सेना पर विश्वास है और देशवासियों की आशाओं पर खरा उतरना सेना का परम कर्तव्य है। यह आह्वान उत्तरी कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उत्तरी कमान मुख्यालय के ध्रुवा सभागार में अपने संबोधन में कहा है। वे यहां पर अलंकार समारोह 2022 में अधिकारियों और जवानों को संबोधित कर रहे थे। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कहा है कि जम्मू कश्मीर में पिछले दो वर्षों में आतंकवाद से संबंधित घटनाओं में 104 सुरक्षाकर्मी बलिदानी हो गए और 223 घायल हुए हैं। लोकसभा में भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के एक लिखित सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के दौरान 2020 में हुई मुठभेड़ सहित उग्रवाद की हिंसा में 62 जवान बलिदानी हुए और 106 अन्य घायल हो गए। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को लोकसभा को सूचित किया कि 2020 तक 3 साल में जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत 750 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एमएचए राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित उत्तर में कहा कि 2020 में 346 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि अगर बात की जाए तो 2018 में 173 और 2019 में 247 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जम्मू के लोगों को जल्द ही बड़ी सौगात मिलने वाली है। जम्मू एयरपोर्ट से आने वाले दिनों में वाराणसी, पुणे, इंदौर, पटना एवं चंडीगढ़ के लिए भी उड़ानें शुरू होने जा रही हैं। जम्मू एयरपोर्ट के लिए बने समर शेड्यूल में इन उड़ानों को हरी झंडी मिल गई है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो मार्च महीने के अंत में जम्मू एयरपोर्ट पर इन विमानों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। जम्मू कश्मीर के लिए मोदी सरकार के बजट में बुनियादी ढांचे के विकास के अगले वित्त वर्ष में पूरी अहमियत मिलेगी। प्रदेश में सड़कों, पुलों और विकास के अन्य प्रोजेक्टों को पूरा कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जाएगी। पारित हुए जम्मू कश्मीर के बजट में विकास कार्यों को तेजी से देने के लिए लोक निर्माण विभाग के लिए 6,296.57 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है। हर कोई विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन के बनी इस फिल्म की खूब तारीफ कर रहा है। पीएम मोदी ने हाल ही में फिल्म की टीम से मुलाकात भी की थी। अब मंगलवार को हुई भाजपा संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स की चर्चा की है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि फिल्म में जो दिखाया गया है उसे दबाने की कोशिश की गई। आज बुधवार से देश भर में 12 से 14 साल आयु वर्ग के लिए कोविड वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से इस आयु वर्ग के लिए कोरवैक्स वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। इसे बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। इस बीच कोविड वर्किंग ग्रुप NTGI के अध्यक्ष NK अरोड़ा ने बताया है कि इस आयु वर्ग में कोरोना संक्रमण को हाई रिस्क देखते हुए टीकाकरण शुरू करने का फैसला लिया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मंगलवार को यूक्रेन मामले पर राज्यसभा में बयान दिया। जयशंकर ने कहा कि यूक्रेन में गंभीर संघर्ष से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद हमने सुनिश्चित किया है कि लगभग 22,500 भारतीय नागरिक सुरक्षित वापस लौट आए हैं। इस दौरान 35 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से भारतीयों को वापस उन्हें के घर पहुँचाया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह के शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बता दें कि आज 12:30 बजे मान सिंह राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। उन्होंने इस समारोह के लिए पूरे पंजाब के लोगों को आमंत्रित किया है। 5 राज्यों में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद एक बार फिर से पार्टी के असंतुष्ट नेताओं का ग्रुप 23 फिर से एक्टिव हो गया है। ये ग्रुप चुनाव परिणाम के अगले दिन ही एक्टिव हो गया था और सवाल भी उठाने शुरू कर दिए थे। अब इस ग्रुप की एक बैठक आज यानी बुधवार को होने वाली है। इसमें भविष्य की रणनीतियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। रूस यूक्रेन के बीच जंग का 20वां दिन भी गुजर गया है। इस बीच दोनों देशों के बीच अब तक कोई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन जंग को समाप्त करने के लिए आम सहमति नहीं बन पाई है। लंबी खींचती जंग के बीच रूस के सैन्य उपकरण और गोला बारूद तेजी से खत्म हो रहे हैं। पूर्व अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने दावा किया है कि रूस के पास सिर्फ 10 दिन का ही गोला बारूद बचा है। वहीं यूक्रेन बनाम रूस मामले में अंतर्राष्ट्रीय अदालत 16 मार्च यानी आज अपना फैसला सुना सकती है।